जय माता दी। मित्रों कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कुशल होंगे। मित्रों आज मैं चर्चा करने वाला हूँ 1 से 9 अंक के मूलांक, उनके स्वभाव के बारे में, साथ ही साथ उनके उपाय के बारे में। तो पहले तो हमें ये जानना है कि हमारा मूलांक कैसे बनता है। जिस भी तिथि को आपका जन्म हुआ है, सपोज दैट आपका मंथ की 1 तारीख को जन्म हुआ है तो आपका मूलांक 1 बनेगा। 21 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है तो उनको जोड़ दीजिएगा, मूलांक आपका 3 बनेगा। इस तरह से आपको मूलांक लेना है। अब मूलांक से हम क्या देखना चाहते हैं? अगर आपको, मान लीजिए आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपको ग्रोथ नहीं मिल पा रही है, आप शादीशुदा हैं लेकिन आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं हो पा रही है, या व्हाटएवर जो भी आपकी समस्या है, तो मूलांक को समझकर आप उस समस्या को दूर कर सकते हैं। उसके उपाय भी बताऊंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मूलांक नंबर 1 की। देखिए जो मूलांक नंबर 1 है, जिनका भी जन्म 1 को हुआ है, 10 को हुआ है, 19 तारीख को हुआ है उनका मूलांक, या 28 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 1 होगा। मित्रों जिसका भी जन्म महीने की 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को हुआ है उसका मूलांक 1 होगा। अब मूलांक 1 के स्वामी होते हैं सूर्य, और शास्त्रों में लिखा है कि मूलांक 1 जो होता है कामयाबी का स्वरूप है। मित्रों जिनका भी मूलांक 1 होता है वो बहुत सक्सेसफुल होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर होती है, और नेता होते हैं, और बड़ी ऊंची पदवी पे मूलांक 1 वाले विराजमान होते हैं भविष्य के अंदर। लेकिन कौन? क्योंकि नंबर 1 कामयाबी का स्वरूप है, और दूसरा आत्मा का स्वरूप है, और आत्मा जो शरीर की आत्मा है वो एक तरीके से देखती है, वो नेत्र के माध्यम से, यानी कि मूलांक 1 वाले जीवन को किस प्रकार देख रहे हैं। आप नेगेटिव जीवन देख रहे हैं, लोगों की नेगेटिव सोच देख रहे हैं, या जीवन में आप जो है अच्छी सोच देख रहे हैं, पॉजिटिव वे में आपका दृष्टिकोण है, इस पे आपकी कामयाबी बहुत बहुत निर्भर करती है। इसलिए मूलांक 1 को कामयाबी का स्वरूप कहा जाता है और नेत्र का स्वरूप भी कहा जाता है। यदि आप मूलांक 1 वाले हैं, आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, आपको ग्रोथ नहीं मिल पा रही है, तो कहीं आप नेगेटिव चीज़ तो नहीं देख रहे मित्रों, या आपके अंदर जलन, द्वेष, ईर्ष्या भर गई है। इसके लिए आपको एक उपाय भी करना है। वेदों के अनुसार अगर आपका मूलांक 1 है और आप चाहते हैं कि आपको उन्नति मिले, तो आप डेली सूर्य को अर्घ दें। अब अगर आपको सूर्य को अर्घ देना है मित्रों, तो आप जो है सुबह 4 से 6 बजे के बीच में अगर सूर्य को जल देंगे, सूर्य को अर्घ देंगे, सूर्य के सामने यदि आप कुछ समय 4-5 मिनट रहेंगे, तो इस संसार से आप दोबारा कनेक्ट होंगे और जीवन का पॉजिटिव दृष्टिकोण देख पाएंगे, समझ पाएंगे, क्योंकि नेत्रों के माध्यम से सारी सूचनाएं हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में जाती है। इसलिए आपको सूर्य को जल देना है और सूर्य के सामने आपको 4 से 5 मिनट तक आपको वहाँ पर बैठना है, या आपको माहौल देखना है, आपको अनुभव लेना है, बस ये एक उपाय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं मूलांक 2। मूलांक 2 चंद्रमा का होता है, और मूलांक 2 वाले मित्रों बड़े क्रिएटिव माइंड के होते हैं, कलात्मक माइंड के होते हैं, थोड़े भावुक भी होते हैं, और मूलांक 2 जो भी लोग होते हैं वो बहुत बड़े डायरेक्टर होते हैं, क्रिएटिविटी वाले होते हैं। आजकल जो ज़्यादातर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो आजकल बना रहे हैं, तो उनमें मूलांक 2 वाले ज़्यादा होते हैं, और कला का ये अंग होता है। और मूलांक 2 को, यानी कि इस चंद्रमा को, लक्ष्मी का स्वरूप भी माना गया है, और साथ ही साथ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, तो इसका मतलब मूलांक जो 2 हैं वो लक्ष्मी को कमाने में समर्थवान हैं, अतुलित लक्ष्मी, अतुलित धन को कमाने में समर्थवान है। लेकिन मूलांक 2 को मन का भी कारक माना गया है, यानी कि अगर मूलांक 2 वाले मन से भटक जाते हैं, या मन काम में लगता ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको असफलता नजर आएगी। इसलिए आपको मन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा मूलांक 2 वालों को। उसके लिए आप क्या करें, चांदी का गोल सिक्का लेकर आप जो है हमेशा अपने पर्स में, पॉकेट में, सिरहाने के नीचे जरूर रखें, इससे आपको अच्छी ग्रोथ नज़र आएगी। मित्रों अब बात करते हैं मूलांक 3 के। जिनका भी जन्म 12 तारीख को हुआ है, या आपका 30 तारीख को हुआ है, या 3 तारीख को हुआ है,
उन या 21 तारीख को है, उनका जो मूलांक होगा वो 3 होगा, और 3 के स्वामी बृहस्पति देव है, यानी कि जो इसको शास्त्रों के अनुसार मूलांक 3 वाले अगर देखा जाए तो बहुत नॉलेजेबल होते हैं, प्रोफेसर टीचर होते हैं, बहुत बड़े अच्छे डॉक्टर होते हैं, साइंटिस्ट रिसर्चर होते हैं, और बड़े कामयाब होते हैं, हाईली पोजीशन में होते हैं, छोटे से स्टार्ट करते हैं और बड़े लेवल तक जाते हैं, और बहुत आईएएस पीसीएस प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं वो मूलांक 3 वाले होते हैं। तो मूलांक 3 को, अगर मूलांक 3 को भाग्य का भी स्वरूप माना जाता है, और मूलांक 3 को साथ ही साथ मदद का भी स्वरूप माना जाता है। यदि आप लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं मित्रों, तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो मूलांक 3 है वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होगी आपकी। तो याद रखिएगा कि इसको मदद का स्वरूप भी माना जाता है। आप मूलांक 3 वालों को अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, पद प्रमोशन नहीं मिल रही है, ग्रोथ नहीं मिल पा रही है, जीवन में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा चल रही है, मैं ये करूँ या मैं वो करूँ, तो मैं यही कहूँगा कि मूलांक 3 वाले हमेशा सक्सेसफुल जब ही होते हैं जब वो अपना गुरु या मैसेंजर अपना रखते हैं, चाहे वो गुरु अपने माता पिता को बनाए, अपने मित्र को बनाए, या आध्यात्मिक गुरु आप बनाए। इस तरह के गुरु आपको बनाने पड़ेंगे मूलांक 3 वालों को, नहीं तो आप बहुत अच्छी क्वालिटी होने के बाद भी आप बहुत गलत निर्णय ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जिनका मूलांक 4 है, जिनका जन्म जो है महीने की 4 तारीख को 13 तारीख के अंदर हुआ है, या 31 तारीख को जिनका जन्म हुआ है उनका मूलांक 4 है। मूलांक 4 ज़्यादातर रिसर्चरों का होता है, या गोपनीय एजुकेशन जो करते हैं, गुप्त विभाग के अंदर जो रहते हैं उनका मूलांक 4 होता है। साथ ही साथ जो जितने भी साइंटिस्ट होते हैं, जो स्टेम सेल्स की या सेल्स की जो रिसर्च करते हैं, हमारे अंदर की शोध की जो रिसर्च करते हैं, उनके अधिकतर जो होते हैं वो मूलांक 4 होते हैं, याद करिएगा, शोधकर्ताओं के ज़्यादा होते हैं। तो मूलांक 4 का जो कारक होता है उसको माना जाता है कुबेर का स्वरूप माना जाता है। लेकिन अगर मूलांक 4 होने के बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, आपको ग्रोथ नहीं मिल पा रही है, तो कहीं ना कहीं मित्रों आपके अंदर एकाग्र चित्ता की कमी आ रही है, आप अपने फोकस पे या अपने उद्देश्य पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, फोकस से आप कहीं ना कहीं भटक जा रहे हो। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए आपको मूलांक 4 वालों को त्राटक एक साधना होती है, आप दीपक जलाएं, दीपक के सामने आप 4 से 5 मिनट तक उसको टकटकी लगा के देखते रहें, और उसके बाद आंखें बंद कर लें, फिर उसको 4 से 5 मिनट टकटकी लगा कर देखते रहें। ऐसा अभ्यास नित्य आप 4 से 6 मिनट तक यदि आप करेंगे तो आपकी एकाग्रचित्ता बढ़ेगी, जिससे कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। अब मूलांक 5 की बात करते हैं, जिनका भी जन्म महीने में 5 तारीख को हुआ है, 14 तारीख को यदि आपका हुआ, या 23 तारीख को हुआ है जिनका भी जन्म, उनका मूलांक 5 होता है, और 5 जो होता है वो बौद्धिक राशि है, यानी कि जो मूलांक 5 वाले होते हैं ज़्यादातर बुद्धि से संबंधित काम करते हैं मित्रों, बुद्धि और वाणी से संबंधित, यानी कि वो सीए होते हैं, वो डॉक्टर होते हैं, वो लेखन संबंधी होते हैं, वो अच्छे वक्ता होते हैं, और मूलांक 5 को सिद्धि का स्वरूप माना जाता है। फिर भी अगर आपका मूलांक 5 है और आपको ग्रोथ नहीं मिल पा रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर अभ्यास की कमी है। आपको नॉलेज है, आपको बुद्धि है, आपको लिखने की का कॉमन सेंस है, लेकिन मित्रों कहीं ना कहीं आपके अभ्यास, आपके प्रैक्टिस में कमी है, इस वजह से आपको ग्रोथ नहीं मिल पा रही है। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो आप अभ्यास ज़रूर करें, डेली अभ्यास करें, ये चीज़ करनी है आपको। दूसरा आपका उपाय है, मूलांक 5 वालों को तुलसी के पेड़ पे आपको डेली जल देना है, तो उससे आपका बुध ग्रह यानी कि बुद्धि का ग्रह आपका स्ट्रांग होगा। अब बात कर लेते हैं मूलांक 6 के बारे में। देखिए मूलांक 6 को शुक्र इसके स्वामित्व करते हैं, जिनका भी महीने में जन्म 6 तारीख को हुआ है मित्रों, या 15 तारीख को आपका जन्म हुआ है, या 24 तारीख को आपका जन्म हुआ है, तो आपका मूलांक 6 होगा। मूलांक जो 6 वाले ज़्यादातर मीडिया के क्षेत्र में,
आकर्षण, फैशन, डिजाइनिंग के क्षेत्र में क्रिएटिविटी से संबंधित क्षेत्रों के अंदर बहुत सफलता प्राप्त करते हैं। तो आज हमने एक से नौ नंबर तक की के बारे में बात की, क्यों वो असफल नहीं होते और उनके लॉजिकल उपाय क्या है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी मित्रों।